यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। आगे बढ़ेंगे। इसी बीच बड़ी खबर आ रही है पंचकुला की। सीबीआई कोर्ट में अपना घर मामले को लेकर सुनवाई शुरू हो चुकी है। जी हाँ, अपना घर मामले को लेकर सुनवाई शुरू हो चुकी है। सबकी निगाहें इस मामले पर हैं और आज आने वाले फैसले पर हैं, क्योंकि आज अदालत जो है वो सजा का ऐलान करेगी। आपको ये भी बता दें कि जो जज इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं, जो आज सजा का ऐलान करेंगे, ये वही जज हैं जिन्होंने राम रहीम को बलात्कार के मामले में सजा सुनाई थी, यानी कि जस्टिस जगदीप सिंह। तो सीबीआई कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है अपना घर मामले की। आपको बता दें कि 8 मई 2012 को अपना घर अनाथालय में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की टीम ने छापा मारा था और उस दौरान अनाथालय से कुछ लड़कियां गायब मिली थी, और जिनको दिल्ली में पकड़े जाने के बाद, तीन लड़कियां थी, दिल्ली में पकड़े जाने के बाद ये कार्रवाई की गई। और यहां छापा मारने के बाद अपना घर की संचालिका जसवंती कौर, जो कि मुख्य यहां पर आरोपी हैं, दोषी हैं, और अन्य लोगों के खिलाफ देह व्यापार, शोषण, मारपीट और मानव तस्करी समेत मामलों में जो है धाराओं में मामला दर्ज किया गया था। और पुलिस ने पहले इसकी जांच की और उसके बाद सीबीआई को इस मामले की जांच सौंप दी गई। तो सीबीआई ने अच्छे से जांच की, गहन जांच करने के बाद 18 अप्रैल को पिछली सुनवाई में दोषी करार दे दिया गया था। जसवंती कौर के समेत 9 आरोपियों को दोषी करार दिया गया था और आज जस्टिस जगदीप सिंह जो हैं वो इन पर फैसला सुनाएंगे इनके सजा को लेकर। इस पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं पंचकुला से हमारी संवाददाता शशि अरोड़ा। शशि, कार्रवाई शुरू हो चुकी है, कितनी देर में अनुमान लगाया जाए कि फैसला आ जाएगा? बिल्कुल अमन, जिस तरीके से जो है अपना घर मामला, बहुचर्चित रोहतक का जो ये मामला है, यहाँ पर जो है अनाथ बच्चियों, बेसहारा महिलाओं के साथ जिस तरीके से यौन शोषण के मामले का खुलासा हुआ था और सीबीआई कोर्ट में एक केस चला था, इसमें 9 लोगों को, जिसमें मुख्य आरोपी जसवंती देवी है, जो अपना घर नाम से जो आश्रम चलाती थी, जो बेसहारा महिलाओं बच्चियों को आश्रय देने के नाम पर, और वहां पर उनके साथ शोषण, यौन शोषण महिलाओं को बेचा जाता था। कार्रवाई शुरू हो चुकी है, कुछ ही में फैसला आ जाएगा, कितनी देर अनुमान लगाकर चलें कि फैसला सबके सामने होगा? जी बिल्कुल अमन, जिस तरीके से अभी लंच के बाद जो है सुनवाई शुरू हो चुकी है, जज ने आरोपियों को अंदर बुला लिया, तो बहुत जल्द और इसमें बहुत बड़ा फैसला बहुत जल्द आने वाला है। जी बिल्कुल, आज कोई बहस नहीं होगी, कोई जिरह नहीं होगी, आज सिर्फ और सिर्फ फैसला आएगा शशि, सजा का ऐलान होगा। बिल्कुल अमन, जिस तरीके से पहले जो है दोषी करार दे दिया गया है 9 लोगों को, 10 में से एक के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला था तो उसे बरी कर लिया गया था, और 9 लोगों को जो है दोषी करार कर दिया गया, तो 9 के 9 जो आरोपी हैं, दोषी जिन्हें हम कहेंगे, उनके लिए आज सजा जो है जज द्वारा सुनाई जाएगी। बिल्कुल शशि, यहाँ पर इन पर देह व्यापार, शोषण, मारपीट और मानव तस्करी जैसे आरोप लगाए गए थे, तो सजा कितनी हो सकती है, क्या अंदाजा लगाया जा सकता है कितनी सजा हो सकती है इनको? बिल्कुल अमन, जिस तरीके से जो डेरा प्रमुख बाबा गुरमीत राम रहीम थे, उनके ऊपर 2 साध्वियों से यौन शोषण का आरोप लगा था और हर दोनों साध्वियों के साथ यौन शोषण के आरोप के मामले में 10-10 साल की सजा मिली थी। यहाँ पर बहुत सी ऐसी बच्चियां थी, बहुत सी महिलाएं थी, जाहिर सी बात है कि काफी लंबी सजा इनको उम्र कैद तक भी मिल सकती है। जी, उम्र कैद तक भी सजा यहाँ मिल सकती है। शशि, आप इस केस पर नजर बनाए रखिए, आपसे हम फिर जुड़ेंगे, फिलहाल के लिए धन्यवाद। तो फैसले की घड़ी नजदीक आ रही है और कुछ ही देर में फैसला आ सकता है अपना घर मामले को लेकर के। कार्रवाई शुरू हो चुकी है पंचकुला की सीबीआई कोर्ट में। जस्टिस जगदीप सिंह जो हैं इस मामले में आज सजा का ऐलान करेंगे।